शुरुआत करते आज की बड़ी खबर। पूर्व मुखिया निरंजन सिंह को बदनाम करने की गई साजिश। नगर पंचायत के चुनाव में चेयरमैन पद के उम्मीदवार है मुखिया निरंजन सिंह। वीडियो को वायरल कर उनको बदनाम करने एवं उनकी छवि को खराब करने के लिए रची गई थी ये साजिश। और इस बातों का खुलासा तब हुआ जब प्रीता के बयान के आधार पर रोजरा डीएसपी सैयार अख्तर ने इस बातों का खुलासा कर दिया। आइए मामले की पूरी जानकारी हम आपको बताते हैं। बीते 29 जून को एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और उस वायरल वीडियो में एक लड़की के द्वारा अपने माता पिता व चाचा के साथ साथ पूर्व मुखिया व थाने के एक एसआई के द्वारा शराब पीकर रेप करने का आरोप लगाई थी। वही इस वायरल वीडियो को बहुत सारे न्यूज पोर्टल एवं चैनलों पर प्रमुखता से दिखाई गई, जिस पर समस्तीपुर एसपी ने संज्ञान में लेते हुए रोसरा एसडीपीओ को जांच का आदेश दिया, जिस पर महिला थाना रोसरा के द्वारा लड़की सहित लड़की के माता पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। वही महिला थाना में लड़कियों के द्वारा पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में लड़की ने जो बयान दिया उसका आवेदन रोसरा डीएसपी सैयार अख्तर ने 30 जून को प्रीता के द्वारा आरोप लगाए गए व्यक्तियों के नाम के साथ खुलासा कर दिया, जिसमें पूर्व मुखिया निरंजन सिंह की संलिप्तता कहीं से नहीं देखी गई। वहीं इस वायरल वीडियो को लेकर बीते 29 जून से प्रखंड भर में खलबली मची हुई थी। वहीं आज दिन के रविवार इस वायरल वीडियो को लेकर प्रखंड के तमाम जनप्रतिनिधियों ने बैठक किया। बैठक में इस वायरल वीडियो की घोर निंदा करते हुए उन्होंने कहा, पूर्व मुखिया निरंजन सिंह होने वाले नगर पंचायत चुनाव में चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं और उनको बदनाम करने एवं उनकी छवि को खराब करने के लिए यह साजिश की गई। यह वीडियो वायरल करने के पीछे जिसका भी हाथ है उस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो आइए इस वायरल वीडियो के संबंध में प्रखंड के कुछ जनप्रतिनिधियों से बातें करें। तो आइए इस वक्त हमारे साथ है मुखिया संघ के अध्यक्ष चंद्रमणि सिंह, प्रखंड प्रमुख बिरजू साह, उप प्रमुख रिंकू सिंह, पंचायत समिति मिथिलेश सिंह एवं सरपंच संघ के अध्यक्ष पति मोहन सिंह। हम सबों से एक एक करके बात करेंगे और जानेंगे कि इस वायरल वीडियो के संबंध में क्या कुछ उनकी विचारधारा है। तो आइए सबसे पहले हम बातें करेंगे मुखिया संघ के अध्यक्ष चंद्रमणि जी से। चंद्रमणि जी, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि जैसा कि आज प्रखंड के तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई और बैठक का क्या कुछ मुख्य उद्देश्य रहा? मुख्य उद्देश्य बैठक का यही है, अगर हम जनप्रतिनिधि लोग सही रूप से अगर दोषी हैं, हमें अगर सजा होती है वह बहुत अच्छी बात है और न्यायपालिका के किसी भी आदेश को हम लोग मानने के लिए सदैव तत्पर रहे। अगर गलत कुछ मीडिया कर्मी के द्वारा गलत वीडियो वायरल किया जाता है, इसकी निष्पक्ष जांच हो और उन पर भी कानूनी कार्रवाई हो, यही मेरा मुख्य रूप से मांग है। और हम सारे सिंगिया प्रखंड के जनप्रतिनिधि, चाहे वह पंचायत समिति सदस्य हो, मुखिया जी लोग हों, सरपंच साहब हों, सारे लोग इस निंदा की अभी जो वर्तमान में हुई है, निरंजन सिंह के ऊपर जो वायरल हो रहा है वीडियो, उसके विरुद्ध में जांच से पहले किसी गलत वीडियो को वायरल करना मैं नहीं समझता कि यह उचित व्यवस्था है। वो अपनी प्रतिष्ठा अपनी मीडिया कर्मी को स्वयं मिल कर रहे हैं, जो कि न हो, जांच के बाद ही अगर कोई न्यूज आता तो वो अति उत्तम। प्रमुख बिरजू जी, जैसा कि वीडियो एक सोशल मीडिया पे वायरल होता है और उस वायरल वीडियो में एक लड़की के द्वारा पूर्व मुखिया निरंजन सिंह के ऊपर रेप का आरोप लगाया जाता है, इस वायरल वीडियो के संबंध में आपका क्या कुछ कहना है? सबसे प्रथम बात ये है कि सोशल मीडिया काम कर रही है अपना, सोशल मीडिया को ये देखना चाहिए पहले कि सच्चाई क्या है। सच्चाई का सर्टिफिकेट दे देना उनका कर्तव्य नहीं है। कुछ वेदन क्या होता है पदाधिकारियों के द्वारा, पुलिस पदाधिकारी के द्वारा वेदन होकर जो रिजल्ट आता है उस हिसाब से उनको मार्केट में इस बात को लाना चाहिए, क्योंकि सच्चाई दिखाना ही उनका मेन अथी है। सच्चाई दिखाते तो उनका प्रतिष्ठा बढ़ेगा और हम प्रयास करेंगे, लोगों को कहेंगे कि सच्चाई जो हो वो दिखावे और जो छवि समाज में रहा है निरंजन सिंह का, वो सारे लोग अवगत हैं, उनसे सारे लोग जानते हैं कि निरंजन सिंह का समाज में क्या छवि है,
कितना लोगों को मदद करते हैं, क्या करते हैं, सब लोग जानते हैं, किसी को कहने की बात नहीं है। इसलिए हम कहना चाहेंगे जो सच्चाई है लोगों का, जो समाज में इस पर समाज के तौर पर ग्राउंड लेवल पर जाके पीड़िता से ही नहीं और समाज के लोगों से भी इस बात की जानकारी लेनी चाहिए। जो रिंदर सिंह की उपप्रमुख रिंकू जी, इस वायरल वीडियो के संबंध में आपका क्या कुछ कहना है, क्या लग रहा है आपको, क्या गलत है और क्या सही है? देखिए, कानून सोशल मीडिया को नहीं मानता, कानून में जो लिखाता है वही होता है। तो FIR में निरंजन सिंह जी का नाम नहीं है, DSP साहब का बयान आया मीडिया के सामने, उसमें भी उनका नाम नहीं है। तो हम या आप अपने स्तर से ये कह दें, ये सरासर गलत है और किसी पर कीचड़ उछालने से किसी का छवि खराब नहीं होता है। वो छवि जिन्होंने ऐसा किया हुई, और हम एक चीज़ कहना चाहेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लोगों से कि आपका न्यूज लोग देखते हैं और अमल भी उस पर करते हैं, लेकिन जब आप अभद्र भाषा का प्रयोग सोशल मीडिया पर कीजिएगा तो लोग आपको दूसरे नज़र से देखना शुरू कर देंगे, आपकी छवि खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं करना चाहिए, आप जज नहीं है कि आपने फैसला सुना है, आपको इंतज़ार करना चाहिए था कि FIR भी क्या आता है। आपने उजागर किया, अच्छी बात, समाज के हित में आपने किया, इससे ये कोई गलत चीज़ नहीं है, आपने उजागर किया, अच्छी बात। लेकिन जिसका नाम FIR में नहीं, ऐसे व्यक्ति का नाम लेके आपने सोशल मीडिया पे चला, उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया, ये अच्छी बात नहीं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी हैं, कम से कम हम इतना कहना चाहेंगे कि आपको लोग सुनता है, आपको अगर सुनता है लोग, कम से कम भाषा अमर्याद नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी व्यक्ति के लिए। मोहन जी, इस वायरल वीडियो के संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी फिलहाल जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, आश्चर्य की बात तो ये है, ये फाइल में निरंजन सिंह का नाम नहीं है। DSP साहब के जांच में निरंजन सिंह का नाम नहीं है। हमको कहीं से लगता है कि शायद ये चेयरमैन के उम्मीदवारी में है, ये कोई राजनीतिक विवेचता इनके साथ हो, इसी तरह इनको बदनाम करने की ये कोशिश मात्र है और क्या, क्योंकि निरंजन सिंह की छवि ऐसी बात नहीं है कि पिटारी में बंद है, उसकी छवि जो है वो सिंधिया प्रखंड के लोगों की नज़र में रूबरू है, आमने सामने है। निरंजन सिंह जिस टाइप का लोग है वो सिंधिया प्रखंड के लगभग सारे लोग उसको जान रहे हैं, बावजूद इसके ऐसा घृणास्पद ये बात, फिर मान लीजिए अगर वही बात लिखित में आ रहा है मीडिया में, वही बात लड़की FIR में क्यों नहीं बताई? मिथिलेश जी, इस वायरल वीडियो के प्रति आप भी अपने विचारों को रखें। जहाँ तक बात अभी जो वायरल वीडियो हो रहा है, आप भी देखे होगा कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी स्पष्ट तौर पर कहा है कि उसमें निरंजन सिंह का कहीं से संलिप्तता नहीं। जब पदाधिकारी को जानकारी हो जाती है कि इसमें यद्यू निरंजन सिंह नहीं है, इनका ताकि सोशल मीडिया के लोगों को कैसे पता चल जाता है कि आदमी एक्यूज है, और बार बार उसी का नाम उछाला जाना कतई कहीं से अच्छा नहीं है। दूसरी बात हम कहेंगे कि अभी खास करके नगर पंचायत के, क्योंकि निरंजन सिंह नगर पंचायत के चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, उनको बदनाम करने की साजिश, और यह साजिश माननीय अनुमंडल पदाधिकारी नाकाम कर दिए हैं। आने वाले दिन में हम सोशल मीडिया के साथ करते हैं कि तरह की हरकत बंद कर, वरना अच्छा नहीं तो कानून में जाएगा, तो उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा। बस Presenting One TV Bharat app, latest updates available on Google Play and Play Store it now.